हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम झटपट 15 मिनट में बनने वाले सुपर टेस्टी अंडा करी की रेसिपी बनाएंगे। अंडा करी की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो जिस भी मौसम में आप बनाएं सबको बहुत पसंद आता है और वो बहुत चाव से और पसंद से खाते हैं। तो ये हम झटपट अंडा करी बनाना स्टार्ट करते हैं। चार एग को मैंने बॉयल करके पील करके रखा हुआ है। सिंपल एग करी की रेसिपी बनाने के लिए हम अदरक, लहसुन और मिर्च को या तो हम कूट लेंगे या फिर हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो मसाले का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अदरक, लहसुन और मिर्च को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम झटपट कुकिंग स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दिया, कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। बहुत ज़्यादा हम तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेल गर्म हो गया, हम इसमें हाफ स्पून जीरा ऐड करेंगे। जैसे जीरा चटक जाएगा तो हमने जो ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ग्रेट करके रखा है ये ऐड कर देंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ये हल्का सा जैसे इसमें फ्लेवर आने लग जाएगा भूनने का, आपको पता चल जाएगा जब आप भूनेंगे तो, तभी हम उसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। मैंने एक मीडियम साइज के टमाटर को छोटे पीसेस में कट कर लिया और एक मीडियम साइज के अनियन को भी मैंने बारीक कट कर लिया। अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। ये सौते हो गया है, अब इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे जो हमने अभी ब्लेंड किया। इसको भी मैंने थोड़ा दरदरा ब्लेंड किया है, आप इसको भी चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट करके यूज़ करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हम एक स्पून सब्जी मसाला ऐड करेंगे, हाफ स्पून हम जीरा पाउडर ऐड करेंगे और एक स्पून हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उसी से हाथ से सॉल्ट ऐड करें। मसाले को हम 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। मसाला जितना अच्छे से पकेगा करी का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। मसाले से तेल बाहर आ गया है, अब यह मसाला फ्राई हो गया। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मसाले में हम हाफ कप वाटर यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको हाई फ्लेम पर हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 5 मिनट हो गया, अब हम चेक करेंगे। अच्छे से उबाल आ गया। अब हम इसमें एग ऐड कर देंगे। हम इंस्टेंट एग करी बना रहे हैं इसलिए मैंने एग को फ्राई नहीं किया। आप चाहे तो इसे फ्राई कर सकते हैं। इसमें हम हल्का सा ऐसे कट लगाकर ऐड करेंगे, इससे इसके अंदर ग्रेवी जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। इसको हम अब और 2-3 मिनट तक करी के साथ पकाएंगे। 2-3 मिनट ये फिर से एग के साथ पक गया है। हम गैस ऑफ कर देंगे और हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। 15 मिनट में बनने वाला सुपर टेस्टी इंस्टेंट एग करी बन गया है। इसे आप प्लेन राइस के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, किसी के भी साथ बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से इंस्टेंट एग करी बनाकर आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आए, आपकी एग करी अच्छे बने तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।